नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। घर से दरिद्रता कैसे भगाई जाए, यानी हम कई बार कामना करते हैं कि धन भी आ जाए, धन टिके, धन रहे, लेकिन धन आएगा तो तब जब दरिद्रता घर से बाहर निकलेगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे घर के अंदर की दहलीज को धन मनी पार ही नहीं कर पाती। यानी घर के बाहर बाहर से लूट जाता है धन आपका। ऐसे क्या चीजें होती हैं आपके घर के अंदर कि जो आपके घर में धन आ ही नहीं पाता है, यानी इतने कोशिश के बावजूद आपके पास मनी नहीं होती, कड़की पड़ी रहती है, आता है ऐसे लगता पता नहीं कहाँ चले गया, या तो फिर आता ही नहीं है, छू ही नहीं पाता आपके दहलीज को, आपके घर के अंदर आ ही नहीं पाता पैसा। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके घर के अंदर है जो मनी नहीं आने दे रही है, जो पैसा नहीं आने दे रही है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर से बाहर निकालने की पक्की जरूरत है जिससे दरिद्रता सीधा पहले आपके घर से बाहर चली जाए। भाई दरिद्रता चली जाएगी तो ही माँ लक्ष्मी आएंगी ना, और माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो घर से कुछ सामान को जरूरी हटाना है। अब कुछ चीजें हमें ना लगाव बहुत होता है पुरानी चीजों के साथ, ये हमारे इमोशंस जुड़े हैं, हम इसके बिना रह नहीं सकते, इसने हमारा वक्त पर साथ दिया था। ठीक है, वक्त पर साथ दिया था, लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपका साथ दे रही है, इनफैक्ट आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही है वो चीजें। तो इमोशंस को अगर हम थोड़ा सा कभी पीछे कर दें तो हम अपनी जिंदगी में सुकून पा सकते हैं। अब इमोशंस ऐसे नहीं कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इमोशन पीछे करते, वहां नहीं, कुछ ऐसी चीजों के साथ लगाव जो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। अब जैसे टूटी हुई चीजें होती हैं, जैसे कोई एक ऐसा फ्रेम हो जो बड़ा ही प्रिय होता है, बड़ा प्यारा होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस फ्रेम को रखे रखते हैं, उसको जोड़ लेंगे, उसके ऊपर डिजाइनिंग कर देंगे, उसके ऊपर कुछ टेप लगा देंगे, कुछ और डिजाइनिंग वाला मटेरियल उसके ऊपर चेप देंगे, लेकिन उस टूटे हुए फ्रेम को बाहर नहीं निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, महिलाएं खास करके आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या करती ना, बाकी मोटी 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 मोटे तौर पर जो चीजें टूटी हुई है तो वो तो निकाल देते हैं, लेकिन आज आपके लिए एक बड़ा क्लू है, लिपस्टिक मैक्सिमम लेडीज यूज करती हैं, लेकिन उनके ढक्कन ऊपर से कई बार टूटे होते हैं, तो क्रैक तो चीज क्रैक ही है ना, चाहे वो आपकी लिपस्टिक के ऊपर का कैप ही क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा, अपनी लिपस्टिक देखिएगा, अगर उसकी कैप अगर टूटी हुई है तो लिपस्टिक को ही निकाल दीजिए बाहर, या फिर बिना कैप के उस लिपस्टिक को रख ले, तो बिना कैप के लिपस्टिक जो है वो हाइजीन नहीं रहेगी, तो इसीलिए आप उसे डिस्ट्रॉय ही कर दीजिए, निकाल दीजिए। सुख और सुकून से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है ना, तो आप भी इस चीज का ध्यान दें। फाउंडेशन, क्रीम, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके कैप टूटे रहते हैं, बट हम उसके ऊपर ऑप्शंस बड़े ज्यादा तैयार कर देते हैं, जुगाड़ में होती है ना महिलाएं, तो ऑप्शंस बड़े ज्यादा उनके पास होते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ के, डिजाइन करके, रैप करके चीजों को रखना शुरू कर देंगे। और अगर चीज ऐसी कुछ है जो टूटी हुई है, ब्रेक है, तो कोशिश कीजिए उसे निकाल दीजिए अपने घर से, ताकि आपकी जिंदगी में एटलीस्ट सुकून लेकर आए, आपके घर की दरिद्रता को बाहर निकाल पाए। ये सिर्फ आपकी लिपस्टिक और आपकी क्रीम की बात नहीं है, किसी भी तरीके का टूटा हुआ सामान आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। नहाने वाले मग होते हैं, हम लोग जो साफ होते हैं वो तो यूज करते रहते हैं, जो ब्रेक होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सामान डंप कर देते हैं कि चलिए इसका यूज तो नहीं कर रहे, बट एक काम करते हैं, किसी तो काम आ रहा है, चलो थोड़ा सा इसके अंदर सामान डाल करके रख देते हैं, डेकोरेट करने लग पड़ते हैं टूटी हुई चीजों को। नहीं कीजिए, चीज तो टूटी हुई है ना, जुगाड़ ऊपर आपने कितना भी लगाया हो, लेकिन टूटी हुई चीजों के अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी की कला होती है, वो आपके घर में दरिद्रता ही लाती है। तो कोई भी ब्रेक टूटी हुए सामान को, चाहे वो डेकोरेशन का पीस हो, चाहे आपके यूटिलाइजेशन का पीस हो, चाहे आपके यूटेंसिल्स हो, बर्तन हो, कांच हो, शीशा हो, घड़ियां हो, कोई भी चीज टूटी हुई आपके घर के अंदर नहीं होने, तो उसका रीयूज, जुगाड़ मत कीजिए,
उसे निकाल दीजिए। कूड़ा, अब कूड़ा कई तरीकों का होता है। एक तो होता है आपके कॉर्नर्स में कूड़ा, एक होता है आपके बेडों के नीचे कूड़ा, सोफे के नीचे कूड़ा, कुर्सियों के नीचे कूड़ा, कहीं कहीं सामान डंप किया हुआ कूड़ा। वो व्यक्ति भी दरिद्र ही होते हैं जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जिस घर में इकट्ठा होता है वो भी दरिद्रता ही होती है। तो दरिद्रता को बाहर नहीं निकालोगे तो धन नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, खुशियां नहीं। माँ लक्ष्मी हमेशा उस जगह जाना पसंद करती है जहां साफ सफाई होती है, जहां शुद्धता होती है, जहां गंदगी होती है वहां कहीं भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपने अपने घर में किसी तरीके का भी कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना है, चाहे वो सामने सामने हो, चाहे वो कॉर्नर्स में हो, चाहे कुछ खास सॉलिड चीजों के नीचे ही हो, चाहे जाले ही हो, कहीं भी ऐसी गंदगी आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना धन नहीं दरिद्रता आती है। और दरिद्रता को बाहर निकालने का मात्र एक तरीका है, अपने घर की गंदगी को सबसे पहले बाहर निकालना शुरू कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा होता है, नहीं हम इसको ना ठीक करवा लेंगे, बस ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अरे कहां से ट्राई कर लेंगे जब वो चीज चलती ही नहीं है, जब आपने लगभग एक साल, दो साल, तीन साल से उस चीज को हाथ ही नहीं लगाया है और उसको कभी ठीक करने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं थी। तो अब जब निकालने की बारी आती है तो तब कहां से जरूरत पड़ जाएगी। तो बेटर है किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जहां वाकई ही वो यूज कर सके। थोड़ी सी करेक्शन से आप हो सकता ना यूज करें, आपका हो सकता है कि सामर्थ्य ऐसा हो कि आप नई चीज खरीद सके, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके लिए वो बहुत बड़ी वरदान की तरह साबित हो जाती है, हो सकता है उनका एक इनकम का सोर्स बना सकती हो आपकी भेजी हुई ये चीज। तो आप थोड़ा सा सहयोग अगर कर सके तो इसे ठीक करा के दे दीजिए, या फिर कुछ हल्का सा छोटा सा धन का सहयोग कर दीजिए और इस चीज को दे दीजिए ताकि वो इसको ठीक करवा पाए और इसका यूटिलाइजेशन वो कर सके। सुबह देर से उठने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके घर में हमेशा दरिद्रता रहती है, ध्यान रखिएगा। बहुत देर से उठने वाले लोग जो होते हैं कभी सुकून से नहीं रहते हैं। अब दरिद्रता कई तरीके के होते हैं, एक होते हैं धन का माना, दूसरा होता है धन आया तो दवाइयों में निकल जाना, तीसरा उन घर के व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बीमारियों की चपेट में रहते हैं। तो दरिद्रता सिर्फ एक पैसा ही नहीं होता, दरिद्रता कई कारणों से होती है और कई तरीकों की होती है। तो आपने खास करके ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। जो लोग जल्दी उठते हैं उनके घर के अंदर सुकून, शांति, सुख रहते हैं, दरिद्रता नहीं होती है। किसी का धन या सामान अपने घर में ला करके रख लेना, भाई सामने वाले को नहीं पता है कि आपके पास पैसा किसका है, किसका नहीं पता है, आपने किसका उठा लिया, लेकिन आपको तो पता है आपने किसका पैसा उठाया है, आपको तो पता है आपने किसका सामान उठाया है। कभी भी किसी के धन से, किसी के सामान से आपके घर में सुख नहीं आ सकते अगर वो सामान और धन बेईमानी से आया हो, वो कहीं ना कहीं बेईमानी से ही निकल जाना। आपने तो लिया यूज करने के लिए, लेकिन आपके पास कहाँ है वो, आपके पास नहीं है वो पैसा, आपने किसी और को ही देना पड़ा, लेकिन कर्म किसके खराब हुए, आपके। सोर्स कौन था निकालने वाला किसी का सामान, आप। आपने ये गलती नहीं करनी है, ना किसी का धन लेना है ना किसी का सामान अपने पास लेना है। और अगर उस व्यक्ति को बिल्कुल मालूम नहीं है तो जरूर आप ध्यान रखिएगा ये गलती कभी ना करिए। शुभता का सामान, लकी चार्म चीजें कभी भी अपने घर से किसी को नहीं देनी चाहिए। शुभता का सामान हमेशा घर आना चाहिए, ना कि दे देना चाहिए। बिल्कुल जो लोग शुभता का सामान, लकी अपनी चीजें दे देते हैं दूसरों को, वहां भी दरिद्रता आती ही है। और कोशिश कीजिए कि आपकी जो लकी चीजें हैं अगर वो टूटी हुई है, नहीं आपकी यूटिलाइजेशन की, तो निकाल दीजिए।
लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है बस थोड़ी सी पुरानी है, उब गए हैं, आप हम नया खरीद लेते हैं, तो आप दे देते हैं शुभता की चीजें, तो ध्यान रखिए, जरा बचा करके रखिए, अपने घर की शुभता को बचा करके रखिए। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, इसीलिए क्योंकि हो सकता है हर कोई कहीं ना कहीं ये छोटी सी गलती कर रहा हो और उनकी इस गलती के चलते उनके घर में दरिद्रता आ रही हो, दरिद्रता बाहर जा ही नहीं रही हो, धन आ ही नहीं रहा हो स्कूल का, अगर आ भी रहा है तो कहीं निकल जा रहा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी सुबह की वीडियो को आप जरूर देखें, हर सुबह 6 बजे राशिफल होता है, लेकिन अगर आपने कुछ पूछना है तो उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो लकी पर्सन होंगे नेक्स्ट डे उनकी कुंडलियों पर चर्चा जरूर होगी, तो आपने जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सुबह 6 बजे की वीडियो में जरूर डालना शुरू कर दीजिए। लकी अक्षर भी होता है और राशिफल भी होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।